योग गुरु रणजीत सिंह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर चक्रासन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पालमपुर के विशाल होटल में पिछले दिनों योग म्यूजिकल एवं दिव्यांग ग्रुप द्वारा योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए भारतीय योग अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से आए योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता पाए लोगों ने हिस्सा लिया। योग गुरु रणजीत सिंह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर चक्रासन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पालमपुर के विशाल होटल में पिछले दिनों योग म्यूजिकल एवं दिव्यांग ग्रुप द्वारा योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए भारतीय योग अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से आए योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता पाए लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल हिमाचल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसमें नूरपुर क्षेत्र के परगणा गांव की सुरक्षा चौहान को राज्यपाल ने योग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर भारत योग अवार्ड से सम्मानित किया। सुरक्षा चौहान क्षेत्र के खन्नी स्थित एंजल पब्लिक स्कूल में योग प्रचारक के तौर पर कई वर्षों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। स्कूल के प्रिंसिपल किरण पठानिया ने बताया कि सुरक्षा चौहान स्कूल की योग अध्यापक हैं। हमें सुरक्षा चौहान पर गर्व है, उन्होंने अपने क्षेत्र व स्कूल का नाम रोशन किया है। सुरक्षा पिछले 2 वर्षों से स्कूल में योग के रूप में पढ़ा रही है। मैं एंजल पब्लिक मॉडल स्कूल खन्नी नूरपुर से बोल रही हूं। तो हमारे स्कूल की टीचर हैं मिसेस सुरक्षा चौहान जी, वो हमारे स्कूल में योग टीचर हैं। तो उनको राज्यपाल जी की तरफ से 17 नवंबर अभी उनको जो है वो योग के योगदान के लिए बेस्ट टीचर, मतलब योग के टीचर के अवार्ड सम्मानित किया गया उनको। आपको कैसे महसूस हो रहा है कि आपके स्कूल की एक अध्यापक और महामहिम राज्यपाल जी से सम्मानित होकर आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? नेचुरली हम प्राउड तो फील होता ही है, लेकिन मुझे पहले से पता था क्योंकि वो स्कूल में लास्ट टाइम से हमारे 2 साल से मेरे स्कूल में पढ़ा रही हैं। तो जिस ढंग से वो काम करवाती हैं बच्चों को, जितना डिवोशन से बच्चों को सिखाती हैं और बच्चों को योग करवाती हैं, प्लस उनको मोटिवेट भी करती हैं बच्चों को जिस तरह, तो उस टाइम उससे तो मुझे पता था कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी, तो उन्होंने किया भी है। सुरक्षा चौहान ने बताया कि उन्हें योग के प्रति रुझान 6 कक्षा से ही था, पढ़ाई लिखाई पठानकोट में ही हुई। उनकी शादी हुई और शादी के बाद ससुराल में देखा कि यहाँ का माहौल भी योगा के प्रति समर्पित था। नूरपुर में 2016 में योगा में डिप्लोमा किया। योगा में सेवा कैंप लगवाना भी सभी लोगों को योगा के बारे में विस्तृत जानकारी दी, योगा से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। सुरक्षा ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि योग को जरूरी विषय बनाया जाए क्योंकि ये आजकल के समय की मांग है। योग से बच्चे जुड़ेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। एक्चुअली मुझे योगा के प्रति रुझान जो है, मतलब मुझे याद है कि मैं कक्षा 6 में थी, 6th क्लास में हमें योगा के सिलेबस में योगा की फिजिकल एजुकेशन की बुक आई, उसमें एक चैप्टर था योगा का। तो उसमें मैंने योगा के बारे में पढ़ा कि बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स पढ़े कि क्या क्या लाभ हैं, कि हमें बाहरी रूप से ही तंदुरुस्त नहीं करता, इवन हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी जो है वो बीमारियों से बचाए रखता है। तो बस उसी तभी मेरी ये जो योगा के प्रति जो समर्पण भावना है जो शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद सभी जो मेरी स्टडी वगैरह सब पठानकोट में हुई है, और उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद जब ससुराल में देखा मैंने, यहाँ का माहौल भी जो था वो योगा के प्रति समर्पित था। मेरे फादर इन लॉ साहब हैं, वो योगा को बहुत उन्होंने पहले भी प्रमोट किया है, तो फिर इस चीज़ ने जो है मेरे उस चीज़ को, उस भावना को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो फिर मैंने योगा में जो है डिप्लोमा किया नूरपुर से, और फिर उसके बाद योगा में जो सेवा, यहाँ पे कैंप लगवाना, सभी लोगों को बताना उसके बेनिफिट्स, तो वो सब जो है हमने फिर स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से ट्रिपल एच योग समिति वालों को पता चला इस बारे में, तो फिर उन्होंने हमारे साथ कॉन्टेक्ट किया, तो फिर उनके भी कैंप हमने यहाँ पर लगवाया घर में, और इस तरीके से फिर आगे हम जो है बाकी के कैंप्स वगैरह लोगों को थोड़ा गाइड करते रहते हैं इस बारे में। और मेरी सरकार से भी ये अपील है कि योगा को जो है वो एक ज़रूरी सब्जेक्ट बना जाए, ज़रूरी विषय बनाया जाए, क्योंकि ये आजकल के समय की मांग है। क्योंकि योगा से बच्चे जुड़े रहेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे छोटी छोटी सी बातों में सुसाइड कर लेते हैं, तो अगर बच्चे योगा से जुड़े रहेंगे, योग से जुड़े रहेंगे, तो वो अंदर उनकी जो विल पावर है उनकी, वो बहुत स्ट्रोंग होएगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मेरी पेरेंट्स से भी ये अपील है कि अगर जब तक स्कूल्स में ये सब्जेक्ट अभी होता है नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चों को योग
योगा के साथ जोड़ें और खुद भी जुड़ें, क्योंकि ये आजकल के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है हमेशा निरोगी बने रहने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।